चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के समक्ष सूबे की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन के विरोध में आजसू पार्टी द्वारा एक दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के महासचिव रामलखन महतो के नेतृत्व में पार्टी के सदस्य ने जमकर सूबे की वर्तमान हेमंत सरकार को कोसा। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन में लूट खसोट चरम सीमा पर है, सभी योजनाओं में पैसे का बंदरबाट चल रहा है, बिना रिश्वत के किसी गरीब का कोई काम नहीं होता, मनरेगा, जमीन के दाखिल खारिज, जाति आवासीय प्रमाण पत्र में, कृषि लोन में, अबू आवास में, मंत्रियों का जेल जाना लगा हुआ है, सब अपने विकास में लगे हुए हैं, जनता से किसी कोई मतलब नहीं। सपा अपने ने जो काम किए थे वादा करके कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 5 रोजगारों को नौकरी लगाएंगे और नौकरी उसके पाए तो भत्ता देने का काम करेंगे। आखिर वो झूठी वादे कब तक चलेगी? इस झूठी वादे को करके आपने सत्ता में आया और हमारे खोले वाले चुनावों को परगनाने का काम किया। अरे भाई, विश्व शरण करिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे राज्य में हर जगह हर ब्लॉक जहां भी जाइए सब भ्रष्टाचार संबंधित अधिकारी है, उस अधिकारी को हम लोग जगाने के लिए कि आप लोग अभी चलिए, अन्यथा हम लोग आने वाले दिन में ज़्यादा दिन नहीं है, 2024 आने वाला है, आप लोग इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जो हम जगा रहे हैं उस पर जागिया नहीं तो हम लोग आप लोगों के विरोध आप लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। और इस सरकार ने जो भी जो जितने भी घोषणाएं की थे घोषणाएं भी पूरा नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। और उस सरकार तो भ्रष्ट है ही है, उसका अधिकारी भी पूरा भ्रष्ट है। यहाँ पर अपना आवास के नाम से सभी लाभुकों के 20,000 रुपया मांगा जा रहा है और ये अबुआ आवास अबुआ नहीं बबुआ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि अबुआ आवास वैसे लोगों को देना है जो गरीब है, गरीब के पास पैसा नहीं है, पैसा के नहीं रहने के कारण उसका अबुआ उसका लाभ नहीं मिलता है, न यहाँ समय पर अंचल में दाखिल खारिज हो पा रहा है, न सही समय पर बच्चों का भी जो स्थानीय आवासीय बनना है वो भी नहीं समय पर बनवाता है। और वैसे बहुत सारे जो कार्य है जो हम लोग अभी लिखित हजारों सूत्री मांग को दिए हैं उस पर हम लोग आग्रह किए हैं कि इस पर जो अमल किया गया था, हम लोग आज हम लोग हल्ला बोल कमा जैसे यहाँ हम लोग जाने के बाहर बैठे हैं, अगर आप लोग नहीं खींचे उस पर पहल नहीं कीजिएगा तो हम लोग आने वाले इस आंदोलन को उग्र आंदोलन देंगे और हम लोग अंचल और प्रखंड के गेट पर ही बैठे। धन्यवाद।